नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्राफिकल टेक में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फैंटेसी का पोस्टर जो है वो बना के दिखाने वाला हूं, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। जो भी आप सोचते हैं वो जो काल्पनिक है उसको कैनवास पर फोटोशॉप में कैसे बनाना है, ये आज आपको सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फोटोशॉप को ओपन करना है, उसके बाद फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फाइल को नाम देना है स्नेल। साइज आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर CMYK सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये फोटो प्लेस करनी है और इसको एडजस्ट करके यहाँ पर अरेंज करना है। आप स्केल करके इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छे से अरेंज करके आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। इसको मैं थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करके लेता हूँ। और ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमें केव का फोटो यहाँ पर प्लेस करना है। इस लेयर को मैं यहाँ पर ऑफ करता हूँ और केव के लेयर को यहाँ पर मैं इसकी साइज इंक्रीज करके अरेंज करता हूँ और ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस लेयर को ऊपर लेके जा रहा हूँ। ताकि मैं यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ये मुझे दिखाई देना चाहिए। इसको मैं बड़ा करके लेता हूँ। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और इस लेयर को नीचे लेकर जाना है। इस लेयर के ऊपर आपको मास्क बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और उसकी ओपेसिटी और फ्लो आपको 100% रखनी है और सिंपली यहाँ पर पेंट करना है। आपको अच्छे से यहाँ पर पेंट करके ये बैकग्राउंड आपको यहाँ से हटाना है। इसके बाद आपको ओपेसिटी और फ्लो कम करके लेना है और सिंपली यहाँ पर आपको पेंट करना है। ओपेसिटी कम करने के बाद यहाँ पर हमें ये अच्छा इफेक्ट मिल रहा है, जो कि देखने में बहुत ही
स्कूल दिख रहा है। सेम ऐसे ही आपको राइट साइड में भी पेंट करना है। इसकी ओपेसिटी और फ्लो मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपको बैकग्राउंड लेयर के ऊपर सिटी का फोटो प्लेस करना है, तो आपको प्लेस बटन पर क्लिक करना है और यहां से फोटो को सेलेक्ट करके प्लेस बटन पर क्लिक करना है। इसको आप यहां से स्केल करके इसकी साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से प्लेस करके ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मॉडल का फोटो यहाँ पर प्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर मॉडल के फोटो को प्लेस करता हूँ जिसका बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी रिमूव करके रखा हुआ है। आपको यहाँ पर अपना मॉडल का फोटो प्लेस करना है और इसको अच्छे से अरेंज करके लेना है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेल के ऊपर मुझे बिल्डिंग का कुछ पार्ट दिख रहा है, तो हमें सिटी के लेयर के ऊपर मास्क बटन पर क्लिक करना है और सिंपली ब्लैक कलर लेके यहाँ पर पेंट करना है। मैं यहाँ पर मॉडल के लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके ले रहा हूँ। मॉडल की साइज में यहाँ पर कम कर रहा हूँ और इसे मैं अभी ठीक से एडजस्ट करके प्लेस करूँगा।
इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यू लेयर लेना है और ब्रश की ओपेसिटी आपको थोड़ी सी कम करनी है और फ्लो भी कम करना है। और सिंपली यहाँ पर आपको मॉडल की शैडो पेंट करनी है। शैडो को पेंट करने के बाद हमें अच्छा वाला 3D इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहां से ओपेसिटी कम कर सकते हैं और सिंपली यहां पर आपको पेंट करना है। ये काफी अच्छा इफेक्ट हमें मिल गया है। इसके बाद आपको इन दो लेयर को शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है और इसके बाद कंट्रोल प्लस जी प्रेस करके इसको ग्रुप करना है और नाम देना है मॉडल। और उसके बाद आपको इन चार लेयर को सेलेक्ट करना है और ग्रुप करके इसको नाम देना है बैकग्राउंड। अभी हम कलर करेक्शन करने वाले हैं, तो इस लेयर को आपको सेलेक्ट करना है और एडजस्टमेंट पैनल में जाकर आपको सेलेक्टिव कलर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट करके न्यूट्रल पर क्लिक करके एडजस्टमेंट्स करनी है। इसके बाद आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है और एडजस्टमेंट करनी है। कलर करेक्शन करते वक्त आपको ये याद रखना है कि आपने जो जो इमेज यहाँ पर प्लेस की है उनको आपको मैच करना है। के बाद आपको एडजस्टमेंट पैनल में जाकर कलर बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कलर बैलेंस एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको ए वाला लेयर सेलेक्ट करना है और सेलेक्टिव कलर में जाकर एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यूट्रल सेलेक्ट करके एडजस्टमेंट्स करनी है। आपको ये स्टेप्स याद रखनी है। जितने भी इमेजेस हमने प्लेस की है उन इमेजेस के ऊपर हम यही स्टेप्स अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करना है और एडजस्टमेंट्स करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको जूम इन करके भी देख सकते हो।
उसके बाद आपको एडजस्टमेंट पैनल में जाकर कलर बैलेंस एडजस्ट करना है। ये दो इमेज अब यहाँ पर मैच हो गए हैं। उसके बाद आपको इस लेयर को सेलेक्ट करना है और एडजस्टमेंट पैनल में जाकर सेलेक्टिव कलर को सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करना है और न्यूट्रल सेलेक्ट करके एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अच्छी तरह से मैच हो रहा है। इसका मतलब हम जो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं वो एकदम प्रॉपर है। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है और एडजस्टमेंट्स करनी है। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट पैनल में जाकर कलर बैलेंस एडजस्ट करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एडजस्टमेंट लेयर जो है वो ऑन रहे। इसके बाद हम मॉडल के फोटो को भी वही एडजस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको आपका मॉडल का कलर जो है बैकग्राउंड से मैच करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करना है और एडजस्टमेंट करके लेनी है। आप देख सकते हैं हमारे मॉडल का कलर बैकग्राउंड से बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है। इसके बाद हम कलर बैलेंस एडजस्ट करेंगे। तो ये अभी काफी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद आपको सिटी के लेयर के ऊपर न्यू लेयर लेना है। यहाँ पर आपको ये वाला कलर सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर पेंट करना है। इसके बाद आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके सॉफ्ट लाइट रखना है। यहाँ पर आपको पेंट करना है आपका सॉफ्ट लाइट इफेक्ट। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है।
मैं यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखता हूँ और ओवरले पे रखता हूँ। ये सॉफ्ट लाइट ही अच्छा इफेक्ट मुझे लग रहा है तो उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। उसके बाद आपको एक न्यू लेयर लेना है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर आपको पेंट करना है। इसकी ओपेसिटी में यहाँ पर कम कर लेता हूँ और फ्लो भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर अच्छे से पेंट करके लेना है। इसकी ओपेसिटी में थोड़ी इंक्रीज करता हूँ। और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके सॉफ्ट लाइट करना है। तो ये काफी अच्छा दिख रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।